आप जानते हैं ऐसे कौन सी साउथ एक्ट्रेस है जिसे हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस में काउंट किया जाता है? आखिर क्यों उन्होंने 13 साल की उम्र से ही फिल्म इंडस्ट्री में काम करना शुरू कर दिया था? ऐसी क्या वजह है जो इन्हें मल्टी टैलेंटेड एक्ट्रेस की लिस्ट में भी शामिल किया गया है? इन सभी सवालों के जवाब आज आपको हमारे इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। बाहुबली मूवी ने आते ही बॉक्स ऑफिस पर झंडे गाड़ दिए थे और इस फिल्म में जब राजमाता एक बच्चे को हाथ में उठाकर बोलती है कि अमरेंद्र बाहुबली, तो ये सीन तो जबरदस्त था जो सभी को आज भी याद होगा। और इस रोल को जिस एक्ट्रेस ने निभाया वो वाकई काबिले तारीफ थी। अब तक तो आप समझ ही चुके होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जी हाँ, हम आज बात करने जा रहे हैं बाहुबली फिल्म में शिवगामी का रोल निभाने वाली एक्ट्रेस राम्या कृष्णन की, जिन्होंने अपनी बेहतरीन एक्टिंग से सभी को फैन बना लिया। राजमाता का कैरेक्टर निभाते निभाते वो उस रोल में इतना डूब गई कि कोई कह नहीं सकता कि ये राजमाता नहीं है। इन्होंने अपनी एक्टिंग को बहुत ही खूबसूरती से निभाया और यही वजह थी कि जैसे ही फिल्म थिएटर में आई इनकी फैन फॉलोइंग आसमान छूने लगी। तो चलिए जानते हैं इस एक्ट्रेस की लाइफ जर्नी, जन्म से लेकर अब तक की स्टोरी। रामा कृष्णन का जन्म चेन्नई तमिलनाडु में 15 सितंबर 1970 में हुआ। इनके पिता का नाम कृष्णन और माँ का नाम माया है। वहीं राम्या के भाई बहनों की बात की जाए तो इनका एक भाई है जिसका नाम है विनय कृष्णन। राम्या का जन्म एक अय्यर फैमिली में हुआ। राम्या के अंकल तमिल फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने कॉमेडियन है, मतलब कि राम्या रामा स्वामी की भतीजी है। दोस्तों, रामा कृष्णन के स्कूलिंग के बारे में कोई जानकारी मौजूद नहीं है, पर ऐसा कहा जाता है कि रामा ग्रेजुएट है और वो पढ़ाई में काफी अच्छी भी हुआ करती थी। आपको बताते चले कि राम्या छोटी थी तभी से उन्होंने भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी डांस सीखना शुरू कर दिया था, और कड़ी मेहनत और अच्छे डांस की नॉलेज होने की वजह से इन्होंने बहुत कम उम्र से ही स्टेज शोज भी करना शुरू कर दिया था। इस तरह धीरे धीरे इन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई। फिर समय आया करियर पर फोकस करने का, जिसमें इन्होंने जी तोड़ मेहनत करी और आज जाने मानी हस्तियों में से एक है। चलिए अब इनके करियर पर भी एक नजर डाल लेते हैं। राम्या के फिल्मी करियर की अगर बात की जाए तो उनका करियर बहुत छोटी सी उम्र में ही स्टार्ट हो गया था, जब वो महज 13 साल की थी। साल 1984 में राम्या ने अपनी पहली फिल्म की जो कि मलयालम भाषा में थी। जिंदगी में जब भी कोई काम पहली बार किया जाता है तो उसकी खुशी अलग ही होती है। राम्या भी इसी दौर से गुजरी जब उन्होंने फिल्म नेराम पुलारम बोल से अपनी शुरुआत की। इस फिल्म में राम्या को मेन रोल के लिए कास्ट किया गया था। ऐसा बहुत कम होता है जब किसी एक्टर या एक्ट्रेस को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेन रोल ऑफर कर दिया जाता है, पर राम्या के साथ ऐसा ही हुआ। उनके टैलेंट को कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता था, इसीलिए उनको इस फिल्म में मेन रोल मिल गया। पर ये फिल्म अपने सही समय पर रिलीज ना हो सकी और बहुत इंतजार के बाद ये फिल्म 1986 में उतरी। यही वजह है जिसके कारण राम्या के फैंस साल 1985 में आई फिल्म वेलाई मानसू को उनकी पहली फिल्म समझते हैं। आपको बता दे कि राम्या एक मल्टी टैलेंटेड एक्ट्रेस है जिन्होंने 5 languages का बहुत ही अच्छा खासा ज्ञान है, जिसके चलते उन्होंने इन भाषाओं में 200 से ज्यादा फिल्में की। इन भाषाओं की लिस्ट पर अगर नजर डाली जाए तो इनमें मलयालम, तेलुगु, हिंदी, तमिल और कन्नड़ शामिल है। खैर, राम्या की खूबियों के बारे में हम आगे भी चर्चा करेंगे, उससे पहले उनकी और मूवीज पर नजर डाल लेते हैं। राम्या ने अपनी पहली तेलुगु फिल्म साल 1986 में की। इस मूवी का नाम भाले मित्रुलु था। इसके बाद साल 1989 में राम्या ने एक और फिल्म की जिससे राम्या को काफी पॉपुलैरिटी मिली और इस फिल्म का नाम था सूत्रधारुलु। इसके बाद 90 के दशक में उन्होंने और भी बेहतरीन फिल्मों में काम किया जो एक से बढ़कर एक रही, जिनमें सौंदर्या, मीना, रोजा और नगमा जैसी फिल्मों से ये तेलुगु फिल्म जगत की टॉप एक्ट्रेस बन गई। इसके बाद राम्या ने के राघवेंद्र के साथ भी काम किया, पर उनको इनकी फिल्मों से कुछ ज्यादा सक्सेस नहीं मिली और नई फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर कुछ अच्छी कमाई की। इसके बाद में उन्होंने अल्लू दुगारू, अल्लारी मोगुडू और मोहन बाबू के साथ, मेजर चंद्रकांत, राजशेखर के साथ अल्लारी प्रिया रुडू जैसी कई सफल फिल्में दी। इसके बाद राम्या ने एक सुपरहिट फिल्म अन्ना मैया की जो साल 1997 में आई, जिसमें उन्होंने श्री अनाम जारे को समर्पित पत्नी की भूमिका निभाई। अब आपको बताते हैं राम्या कृष्ण ने किन किन फेमस तेलुगु एक्ट्रेस के साथ काम किया। राम्या ने अपने फिल्मी करियर में चिरंजीवी, बालकृष्ण, नागार्जुन, वेंकटेश, मोहन बाबू, जगपति बाबू, राजेंद्र प्रसाद, श्रीकांत, महेश बाबू और प्रभास के साथ भी काम किया है। अपनी एक्टिंग के दम पर राम्या ने अपनी एक अलग जगह बनाई है। ये आज एक ऐसी एक्ट्रेस है जिनकी जोड़ी हर एक्टर के साथ अच्छी लगती है। कैरेक्टर कैसा भी हो वो हर रोल को बखूबी निभाती है।
साल 1998 में आई फिल्म कांटे कुथुरने कन्नू में उनकी एक्टिंग को बहुत सराहा गया और इसी के चलते आंध्र प्रदेश सरकार ने उन्हें नंदी अवार्ड दिया। ये तो थी राम्या की दूसरी भाषाओं की फिल्में। चलिए अब इनकी हिंदी फिल्मों की भाषाओं पर भी नजर डालते हैं। सबसे पहले इनको जो हिंदी सिनेमा में पहचान मिली वो उनकी फिल्म बड़े मियां छोटे मियां थी। इस फिल्म में राम्या के साथ सदी के महानायक अमिताभ बच्चन और गोविंदा नजर आए। ये फिल्म साल 1998 में रिलीज हुई। इसके बाद वे एक और तमिल फिल्म पदयाप्या जो साल 1999 में रिलीज हुई उसमें नजर आई। राम्या ने अपने फिल्मी करियर में बहुत सारी बेहतरीन फिल्में दी है और अपनी एक अलग पहचान भी बनाई है। आपको बता दें कि फिल्मों के अलावा वो कई टीवी शोज में भी नजर आई है। चलिए एक नजर हम उनके टीवी शोज पर डालते हैं। आपको बता दें कि राम्या ने अपना पहला टीवी शो तमिल में किया जो साल 2008 में रिलीज हुआ। इस शो का नाम था कलासम। इसके बाद साल 2009 में उन्होंने एक और तमिल सीरियल किया जो संगम नाम से पॉपुलर हुआ। फिर साल 2013 में राम्या ने दो टीवी सीरियल्स किए और उन टीवी सीरियल्स के नाम राजकुमारी और वसम था। ये दोनों टीवी सीरियल्स भी तमिल लैंग्वेज में ही थे। 2020 आते आते राम्या ने तेलुगु सीरियल में कदम रखा। इस सीरियल का नाम भैरवी था। बहुमुखी प्रतिभा की धनी राम्या कृष्णन बहुत ही टैलेंटेड एक्ट्रेस में से एक है। आपको बताते चले कि वो एक बेहतरीन एक्ट्रेस तो है ही, साथ ही में वो एक बेहतरीन जज भी है। चलिए जानते हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ में किन किन सीरियल्स में अपना जजमेंट दिया। राम्या कृष्णन ने साल 2006 में आए रियलिटी शो जोड़ी नंबर 1 में एज ए जज काम किया। साल 2007 में राम्या ने दो शोज को होस्ट किया जिसमें थंगा वेट्टई नाम का तमिल शो और दूसरा बंगाराम मेकोसम नामक एक और तेलुगु शो है। इसके बाद 2020 में एक और शो में नजर आए जिसका नाम डांस वर्सेस डांस और नेक्स्ट ईयर 2021 में बीबी जोडिकल नाम का एक रियलिटी शो किया जो कि तमिल लैंग्वेज में था। इस शो की भी वो जज थी। चलिए दोस्तों अब हम राम्या के अवार्ड सेक्शन पर भी नजर डाल लेते हैं। जानते हैं कि इन्होंने अपनी लाइफ में अब तक कितने अवार्ड्स अपने नाम किए। राम्या कृष्णन को साल 1999 में अपनी बेहतरीन एक्टिंग के लिए फिल्म पदयप्पा के लिए तमिलनाडु स्टेट फिल्म अवार्ड मिला। इसी फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड साउथ भी जीता था। अपने हुनर के बल पर राम्या ने साल 2007 में ओरे कदल नाम की फिल्म के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का दुबई अम्मा अवार्ड भी जीता। उसी साल उन्हें फिल्म ओरे कदल के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अमृता फिल्म अवार्ड भी अपने नाम किया। साल 2009 में राम्या को राजू महाराजा नाम के फिल्म के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का नंदी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। उसी साल तेलुगु फिल्म कोंकेम इष्टम कोंचेम कस्तम के लिए राम्या को फिल्म फेयर अवार्ड साउथ से भी नवाजा गया। अवार्ड्स का सिलसिला थमा नहीं और आ गया साल 2015। साल 2015 में उन्होंने बाहुबली द बिगनिंग नाम की फिल्म के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस तेलुगु का साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड भी जीता। इसी फिल्म के लिए उन्हें तेलुगु का आईफा उत्सवम अवार्ड भी जीता। बाहुबली द कंक्लूजन के लिए साल 2017 में बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस तेलुगु का फिल्म फेयर अवार्ड साउथ भी अपने नाम किया। इसी फिल्म के लिए इन्हें बिहाइंड वुड गोल्डन मेडल अवार्ड जीता। वहीं साल 2019 में उन्होंने सुपर डीलक्स नाम की फिल्म के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का जी सिने अवार्ड तमिल जीता। इसी फिल्म के लिए राम्या को फीमेल का आनंद विक्टन सिनेमा अवार्ड भी मिला। राम्या की शादी की बात की जाए तो इन्होंने साल 2003 में कृष्णा वामसी से शादी की। इनके हस्बैंड की बात की जाए तो इनके पति तेलुगु फिल्म के प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर है और संगीतकार म्यूजिशियन भी। उन्हीं से इन्हें एक बेटा है ऋत्विक वामसी। अपनी लाइफ में बेहतरीन फिल्मों के साथ साथ वेब सीरीज टीवी शोज करने वाली राम्या कृष्णन आज करोड़ों की मालकिन है और ये पैसा उन्होंने अपनी मेहनत से कमाया है। आज 2023 में राम्या कृष्णन की टोटल नेटवर्थ की बात करें तो इनकी नेटवर्थ 12 मिलियन डॉलर या लगभग 98 करोड़ है। दोस्तों ये थी राम्या कृष्णन की बायोग्राफी। उम्मीद करते हैं आपको ये बायोग्राफी पसंद आई होगी। चलते चलते वीडियो को लाइक और पेज को फॉलो जरूर करें जिससे हमारे दूसरे वीडियोस आपको समय समय पर मिलते रहे। क्या आप जानते